सब्सक्राइब कीजिए कुकिंग स्पेशल चैनल को और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी सी ग्लेज्ड स्वीट पोटैटोज रेसिपी। और इसे बनाना बहुत ईजी और साथ में हेल्दी भी है और बहुत ही टेस्टी और जल्दी में बनने वाली स्वीट रेसिपी है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिए स्वीट पोटैटोज 700 ग्राम और इसे मैंने अच्छी तरह से छील लिया था, धो लिया था और छील लिया था पिलर से। और अब मैं लंबे लंबे पीसेस में से कट कर रही हूँ। तो आप इस तरह से लंबे लंबे पीसेस में से कट कर लें और इस तरह से सभी कट कर लेंगे लंबे लंबे पीसेस में। ये रेसिपी आपको ये इतनी अच्छी लगेगी कि आप इतनी ज़्यादा पसंद आएगी, खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी लगेगी कि आप इतनी ज़्यादा शक्करकंदी लाएंगे, बार बार बनाएंगे इसे। बहुत ही टेस्टी बनती है ये। और इस तरह से लंबे लंबे पीसेस कट कर लेंगे और इस तरह से मैंने सभी पीसेस कट कर लिए हैं। और गुड़ लिया है 17 ग्राम। तो ये आप टेस्ट अपने मीठे के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इतना मीठा सही होगा क्योंकि स्वीट पोटैटोज मीठे होते हैं नेचुरली। तो अब एक कढ़ाई लेंगे, उसमें आधा ग्लास पानी लेंगे और गुड़ इसमें ऐड कर लेंगे और इसे मेल्ट करेंगे और इसे थोड़ा पकाते रहेंगे और गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। और अब गुड़ मेल्ट हो रहा है तो इसी तरह से इसे चलाते रहेंगे ताकि चिपके ना, नीचे से जले ना ऐसे। और अभी मेल्ट हो चुका है और अब इसे छान लेंगे, अलग बर्तन में निकाल लेंगे। और फिर एक कढ़ाई लेंगे और उसमें एक चम्मच घी लेंगे और फिर ये स्वीट पोटैटोज जो हमने कट करके रखे थे वो इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से 5 मिनट तक चलाते हुए भून लेंगे। इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा ही इसे चला लेना है। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स करके चला लेंगे और फिर इसमें जो हमने बॉईल करके गुड़ का पानी रखा था वो ऐड करेंगे और फिर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे 15 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे पकने के लिए लो फ्लेम पर। तो ये 15-20 मिनट में ये बन जाते हैं। तो अब इसे चेक करेंगे तो ये कुक हो चुके हैं और पानी भी जल चुका है। तो आप बीच में चेक कर लें थोड़ा बहुत कि पानी कम ना रह जाए। अगर पानी थोड़ा कम लगे तो थोड़ा और डाल सकते हैं, अगर पानी एक्स्ट्रा हो तो इसे जला सकते हैं हाई फ्लेम करके। तो अब ये अच्छी तरह से कुक हो चुकी हैं और पानी भी ज़्यादा नहीं बचा है और बिल्कुल बैलेंस में है सब। तो अब इसे एक मैं दिखा रही हूँ तोड़कर, तो ये पक चुके हैं और अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं और ये खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। यकीन मानिए, ये खाने में इतने अच्छे लगते हैं कि बहुत ही टेस्टी। तो ट्राई ज़रूर करिएगा, इसी तरीके से बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनते हैं ये। तो फ्रेंड्स, अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट कीजिएगा। तो इसी तरह से मिलते रहेंगे नई नई रेसिपीज़ के साथ। फिर मिलेंगे। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।